हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो जहां मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में ना ट्विटर पे लो, इंस्टाग्राम पे लो, हर जगह लड़ाई हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि क्या लक्षद्वीप टेक्निकली रेडी है, क्या वहां पे साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं, क्या टेक्नोलॉजिकली रेडी है ट्रैवलर्स के लिए, ये इस वीडियो में मैं डिटेल में बात। मान लीजिए आप या आपके कोई फैमिली मेंबर लक्षद्वीप में जाते हैं तो क्या वहां पे सिम इजीली चल जाएगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, वहां पर प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, वहां के नेटिव मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स क्या हैं, इन सब के बारे में, इन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके सामने हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। तो लक्षद्वीप एक आइलैंड नहीं, ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स को कहा जाता है। संस्कृत या मलयालम में बोलूं तो इसे लक्षद्वीप बोला जाता है। 1 लाख, हालांकि वहां पे ऐसे लाखों आइलैंड नहीं है, बट उनको नाम ऐसा दिया गया। तो ये लक्षद्वीप की ये छोटी सी ये स्टोरी है। इट्स अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जैसे कि और यूटीज हैं, लक्षद्वीप भी एक यूटी है इंडिया की। और यहाँ पर एग्जॉटिक बीचेस हैं, यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ यहाँ पे नेशनल जो गवर्नमेंट चलती है वो इंडिया की चलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जितनी भी मेन लैंड से जो चीजें ट्रांसफर होती हैं वो इंडिया से ही होती हैं। हालांकि लक्षद्वीप को ना इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इस कॉन्ट्रोवर्सी के चलते मैं ये देख रहा था कि किसी ने भी इस चीज पे तो ध्यान दिया नहीं कि अगर कोई ट्रैवलर जाता है, आप या मैं, आप में से मतलब आप जा सकते हो या मैं, मेरी फैमिली में से कोई जाता है, तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या वहां टेक्निकली या साइंटिफिकली लक्षद्वीप रेडी है, हम अकोमोडेट करेंगे तो क्या मैं आप पे वर्केशन कर सकता हूं, क्या मैं वहां पे जाके आराम से इंटरनेट सर्फ कर सकता हूं, क्या है। और इससे मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे एक ऐसी चीज की रिसर्च करनी चाहिए, और वो पूरी रिसर्च मैंने करी और मैं लेकर आया हूं आपके सामने। लक्षद्वीप फर्स्ट यूटी है जो कि 100% ऑर्गेनिक हो गई, और वहां के मेन प्रोडक्ट जो है वो है यहां पर कोकोनट, कोकोनट कॉयर्स और कोकोनट से बनने वाली चीजें। ये यहाँ का ना लोकल प्रोड्यूस है, मतलब कोकोनट ऑयल के साथ में और भी जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो बनाए जा सकते हैं वो वहाँ के होम ग्रोन है, वहाँ पे बड़ी इजीली आपको मिलते हैं। तो मेन वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कोकोनट की हो गई और उसके प्रोडक्ट की हो गई, और वहीं से वो आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में भी एक्सपोर्ट किए जाती हैं। लक्षद्वीप मेनलैंड से दूरी पे है, ये पता है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो लोग यूज करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं डीजल जनरेटर्स के ऊपर, उन्हीं के सेट्स के ऊपर, और कुछ हिस्सा सोलर एनर्जी भी यूज करी जाती है। अब क्योंकि वहां पर सोलर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी तो खैर हर जगह है, तो वहां पर विंड एनर्जी भी है, तो इस डायरेक्शन में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं जहां पर इस रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जा सके। आपने देखा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होगा रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ, और पहले से भी इसके ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है धीरे धीरे। अभी डीजल जनरेटर है, बट देन आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि सोलर एनर्जी, सोलर ग्रिड्स और जो पावर जो विंड एनर्जी है उसको भी ज्यादा से ज्यादा यूज करा जा सकता है। नाउ द बर्निंग क्वेश्चन कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है लक्षद्वीप में। भाई स्लोनेस को, अभी तक जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी जो लक्षद्वीप में वो बहुत स्लो थी, इसी को ओवरकम करने के लिए एक प्रोजेक्ट चालू हुआ जिसे KLI प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें एक हजारों मीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, उसको सबमर्ज किया गया, सबमरीन इसलिए नाम है, उसको यूज करा गया है और उसे जोड़ा गया है इंडिया के मेनलैंड से, और उसके जितने भी आइलैंड्स हैं उसको कवर किया गया है उस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी हर उस जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहां पर आप जाएंगे, लैंड करेंगे, रहेंगे, या फिर जो भी आने वाले टाइम की अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। 15 अगस्त 2020 को ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट लाइव कर दिया गया था और जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि अगर आप लक्षद्वीप आने वाले टाइम में जाते हैं तो आपको सीमलेस कनेक्टिविटी वहां पे मिलेगी, ये तो श्योर है। कॉटेजेस और बाकी के टूरिज्म का आई कैन नॉट टेल यू, वो तो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, बट देन एज पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पर ये प्रोजेक्ट एंड हो चुका है एंड यू विल गेट द गुड कनेक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट से स्पीड 100 टू 200 टाइम्स इंक्रीज हो गई है, जहां पर आपको 1.2 गीगाबाइट्स मिलती थी वही आराम से 100 टू 200 गीगाबाइट्स की वो पॉसिबिलिटी उन आइलैंड्स के ऊपर दे दी गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस केबल की लेंथ लगभग 1868 किलोमीटर की है। 1868 किलोमीटर, समझ गए आप, इतनी लंबी सबमरीन लाइन आपने, ये ऑप्टिकल फाइबर की लाइन वहां डाली गई है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह पे आ जाए।
डिजिटल गवर्नेंस हो, जैसे कि यहाँ पे आप पेटीएम यूज़ करते हो, यूपीआई यूज़ करते हो, अभी वो वहाँ पे नहीं है इतना फ्लैज बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। ई गवर्नेंस कुछ भी हो, पासपोर्ट सेवा हो, कुछ भी चीज़ वहाँ पे अभी तक नहीं थी, बट इंटरनेट के आने से आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा बूम आ जाएगा। और इंटरनेट जो कि मैंने आपको बताया अभी वीडियो में कि ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव्स हैं कि वो जो डिजिटल इंडिया का जो बेसिकली इनिशिएटिव है उसके अंडर लक्षद्वीप को जल्दी से जल्दी कवर कर सकें, टूरिज़्म एनहांस कर सकें। क्योंकि भाई जब आप वहाँ जाओगे तो हो सकता है ना वहाँ पे आप बैठ के कोई एप्लीकेशन के थ्रू कोई फ्लाइट बुक करना चाहो, कोई गवर्नमेंट सर्विस लेना चाहो, कोई होटल को सर्च करना चाहो, तो इंटरनेट तो इसके लिए होना ही चाहिए ना। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। अब प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो चुका है तो जाने के बाद वहां पर ये देखना जरूरी है कि ये कितना इफेक्टिव हुआ है। वहां पर जो 11 आइलैंड है, जो मेन 11 आइलैंड है, उनको ये कनेक्टिविटी दी गई है ताकि आप किसी भी आइलैंड पे जाएं, सीमलेसली कनेक्टेड रहें एंड यू कैन हैव फन देयर। अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्टेड रहिए और वर्ल्ड के साथ भी कनेक्टेड रहिए। थर्मल पावर प्लांट को भी इंस्टॉल किया गया है जिसका काम है टूरिस्ट को और वहां के रहने वाले लोगों को फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना। कितना? 1.5 लाख लीटर्स पर डे। आने की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे फिश है कोकोनट है। तो नॉर्मली आपको जैसे कि केरला की तरफ वहाँ पे जो नेटिव लोग हैं वो लगभग वैसे ही आपको मिलेंगे जो कि जैसे केरला में है। तो खाने का बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस आपको लक्षद्वीप में केरला वाला मिलेगा। तो फिश ऑब्वियसली इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ देयर फूड। बहुत सारे व्यंजन में या मैं कहूँ क्यूजींस में आपको फिश ही मिलेगी और वहाँ पर कोकोनट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो easily और फिश पसंद करते हैं तो यू कैन प्लान, एंड देन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा प्लान आउट करके आपको जाना चाहिए। आउट ऑफ ऑल आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, करावती को चूज किया गया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्योंकि वहां पे फुटफॉल सबसे ज्यादा होता है एंड इज द सहब ऑफ एनी टूरिस्ट फुटफॉल जो कि ऑल ओवर द ईयर आते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसे प्रमोट कर रहे हैं, तो इसको स्मार्ट सिटी बनाना बहुत ज़रूरी भी हो गया था। और अब क्योंकि जब ये बन जाएगा तो हम आपको ईजिली बहुत सारी ई गवर्नेंस सर्विसेज या फिर टेली सर्विसेज बहुत ईजिली इस जगह पे मिल जाएंगी। यस, 4G कनेक्टिविटी लक्षद्वीप में है थ्रू FTTH, जिसे बोलते हैं फाइबर टू होम कनेक्टिविटी। 4G जो कि एयरटेल ने प्रोवाइड किया सबसे पहले लक्षद्वीप में और वो यहाँ पे ISP है। इसी लिंक के थ्रू, जो मैंने लिंक की बात करी आपसे, 2018 में एयरटेल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि उन्होंने 4G सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया है लक्षद्वीप में फाइबर टू होम सर्विसेज के द्वारा। और जो भी मेन जगह हैं लक्षद्वीप में, जो मेन टूरिस्ट हॉटस्पॉट हैं, वहाँ पर ये कनेक्टिविटी ऑलरेडी प्लान्ड है। 4G सिम भी वहाँ चलती है, वो भी उन्होंने कहा। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, मतलब कि आप वहाँ पे जब जाएंगे तो एयरटेल को आप एंजॉय कर सकते हैं। इफ़ यू आर एयरटेल कस्टमर तो इजीली आप इंटरनेट को या फिर कॉलिंग सर्विसेज को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लक्षद्वीप साइंस एंड टेक के वहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट या साइंटिफिक एडवांसमेंट्स क्या हैं, क्या अगर आप वहाँ पे विजिट करते हो क्या आपको मालदीव जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। भाई ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में मुझे बताना कि आप क्या सोचते हो लक्षद्वीप के बारे में। इन साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ क्या आप सर्वाइव कर सकते हो, मुझे बताना अपनी राय। एंड आप क्या जाना चाहोगे लक्षद्वीप मालदीव छोड़ के।